हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनिल कुमार सोनी आज आपको कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुज की पहचान प्रश्नावली 3.3 सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न 3.2 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए। 3.3 देखिए, इसका पहला सवाल, हमारे पास एक आकृति बच्चों बनी हुई है। ये आकृति हमारी समांतर चतुर्भुज की है। किसकी? ये समांतर चतुर्भुज की, ए बी सी डी। इसके दो विकर्ण हैं, ठीक है, और दोनों विकर्ण कहां प्रतिष्ठित कर रहे हैं? ओ बिंदु पर। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और नियम बताइए, गुण बताइए कि ये बराबर क्यों है। ये एबीसीडी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एडी किसके बराबर होगी? ये एडी किसके बराबर होगी? ये एडी हमारी भुजा इस बीसी के बराबर होगी। एडी भुजा किसके बराबर होगी? बीसी के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये नियम लिख दिया अपन ने कि एडीबीसी के बराबर क्यों होगी। एडीबीसी के बराबर होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये एडीबीसी के सम्मुख है और ये एबीसीडी के सम्मुख है, राइट। अब हमें बताना है कोण डीसीबी। देखो बच्चों, कोण डीसीबी, ये कोण, ये किसके बराबर होगा? ये इस कोण के बराबर होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इस कोण का नाम डी ए बी। देखो कोण डी सी बी किसके बराबर होगा? डी ए बी के। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों सीखो, डी सी बी, डी सी बी किसके बराबर होगा? डी ए बी के। डी ए बी, तो डी सी बी डी ए बी के बराबर होगा। क्यों हो गया? सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, राइट। अब देखो ओसी, ये ओसी किसके बराबर होगा? ये ओसी बच्चों ओए के बराबर होगा। आई समझ में? ये ओसी किसके बराबर होगा? ओए के बराबर होगा। ओसी बराबर होगा ओए के, ऐसे समझ में। ये ओसी ओए के बराबर भी होगा, ओबी के बराबर भी होगा, ओडी के बराबर भी होगा। तो ओसी किस किस के बराबर होगा? ये ओसी हमारे पास ओए के बराबर तो है ही, और ओसी बराबर ओबी होगा, ओसी बराबर ओडी भी होगा। ध्यान देना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर, तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा। या आप इतना खेलना ओसी बराबर ओए, ये भी सही है। अब देखो चौथा, कोण डीएबी, एम कोण डीएबी, एन डीएबी, ये रहा डीएबी, ये कोण प्लस एम कोण सीडीए, ये रहा सीडीए, यानी ये कोण और ये कोण डीएबी। देखो डीएबी यानी ये कोण, सी डी ए, सी डी ए एन, ये कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? तो इस कोण का जोड़ कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये आधार है, इस आधार के दोनों कोण को क्या कहेंगे? आसन कोण।
देखो इस आधार पे ये दोनों आसन कोण है, इस आधार पे ये दोनों आसन कोण है, इस आधार पे ये दोनों आसन कोण है और इस आधार पे ये दोनों आसन कोण है। तो आसन कोणों का योग सदैव कितना होता है 180 डिग्री। इसका जवाब क्या लिखेंगे हम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, याद रखना इनको, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, राइट। तो ये आपको पहला सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया है बच्चों। अब हम सवाल नंबर 216 करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 3 आकृति दे रखी है, कुल मिला के 5 है, 3 अभी बताऊंगा, 2 इसके बाद बताऊंगा। ये सभी समांतर चतुर्भुज की आकृति है, इनमें अपन को एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करनी है प्रत्येक आकृति में। देखो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो एबीसीडी क्या समांतर चतुर्भुज है, तुम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ध्यान देना सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर कितना होगा 100। एक आंसर तुमने प्राप्त कर लिया, y बराबर कितना हो गया 100 हो गया, राइट। फिर लिखेंगे आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों आपस में आसन है और ये दोनों आपस में आसन है, आई बात समझ में, तो आप इसका याद कर लो। इसलिए x प्लस 100, ये दोनों आसन कोण है, इसलिए x प्लस 100 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 हो गया। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इसका कर देंगे 100 का पक्षांतरण, इसलिए x बराबर होगा 180 माइनस 100, इसलिए x बराबर होगा 180 माइनस 100 के कितना बचेगा 80 डिग्री। ये लो x का मान ज्ञात कर लिया। अब x के बराबर क्या होगा z, इसलिए x बराबर क्या होगा z, एक्स बराबर जेड क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। और हमने देखा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर, इसलिए देखो एक्स का मान तो 80 ज्ञात कर लिया अपन ने, एक्स का मान 80 तो जेड का मान भी 80 होगा, इसलिए जेड बराबर कितना होगा 80 डिग्री होगा, राइट। तो ये 100 तो वाई भी 100, ये 80 तो ये भी 80। ये पहला सवाल आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखो इसका सवाल नंबर 2, वही नियम यहां लागू होगा। देखो ध्यान से, मान लो मैंने यहां पे एक नंबर डाल दिया है, ये लो ये मैंने क्या डाल दिया एक नंबर, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कितना होगा 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज के क्या है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 1 बराबर कितने के 50 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह कि ये बहिष्कोण हो गया, तो ये हमारे क्या रेखीय कोण युग्म हो गए, इन दोनों का योग कितना होगा 180। लेकिन ध्यान देना,
आप इसको ऐसे भी गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लेकिन ध्यान देना, एक प्लस जे कोण एक प्लस जे बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और एक कौन 50 है, तो ध्यान देना इस एक की जगह 50 रख देंगे, 50 डिग्री प्लस जेड बराबर 180। अब जेड का मान ज्ञात कर लेंगे, 180 में से कितना करेंगे 50, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये जेड का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो ये दोनों आसन कोण है, ये दोनों भी आसन कोण है, तो पहले आप किसी का पता कर लो, मान लो वाई का पता कर लो, तो इन दोनों को जोड़ दो आप, क्योंकि y प्लस 50 बराबर कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, आसन कोण, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए y का मान ज्ञात कर लो आप, 180 में से 50 घटा देंगे तो y बराबर कितना बचेगा 130 डिग्री बच जाएगा, इन दोनों का योग 180 होगा, 180 से 50 हमने घटा लिया 130 बच गया। अब y बराबर होगा x, तो देखो हम लिखेंगे आगे, या लिखेंगे या लिखेंगे, लेकिन देखो x बराबर क्या होगा y, क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण है, समूह कोण है, और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, और y का मान हमने ज्ञात कर लिया 130, तो y की जगह रख दूंगा 130, इसलिए x बराबर भी कितना होगा 130 डिग्री। तो देखो बच्चों यहां पे ये z का मान भी 130, y का मान भी 130 आया, और x का मान भी 130 आया, राइट। अब देखो इसका तीसरा सवाल, अब देखो यहां पे ये क्या समकोण है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विबाहु होती है, ये हमारा समचतुर्भुज है, तो ये लिखेंगे क्योंकि x बराबर कितना है 90 डिग्री, और y का मान क्या करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, इसलिए x प्लस वाई प्लस 30 बराबर क्या लिखेंगे 180, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो x, y और 30 तीनों को जोड़ देंगे, x का x, x का मान दिया हमने 90, y का मान हमें ज्ञात करना है 30 का 30 बराबर 180। अब देखो y का मान ज्ञात करना है, तो y प्लस 90 में 30 जोड़ देंगे 120। अब y का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 120 कम कर देंगे, तो y का मान बच जाएगा 180 से 120 गया तो कितना बच गया 60 डिग्री, ये लो y का मान भी हमको ज्ञात हो गया। अब देखो बच्चों यहां पे इनका नंबर डाल दूंगा मैं, ये एक ध्यान देना ये z है हमारे पास, और अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा, यहां पे 30 होगा, क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज है ना, यहां पर ध्यान देना ये त्रिभुज है और दोनों विकर्ण है यहां पे, तो ये कोण किसके बराबर होगा, यहां पे इसके बराबर होगा, अच्छे से समझना, ये जे ध्यान देना ये हमारी क्या, ये रेखा और ये रेखा समांतर इसको तिरेखा काट रही है, तो जेड और वाई बराबर होंगे, जेड और वाई क्या होंगे बराबर, तो अच्छे से समझना, इसलिए ध्यान देना जेड बराबर वाई होगा, क्यों होगा, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, देखो ये रेखा समांतर है, ये तिरक रेखा इसको काटती है, तो तिरक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए जेड बराबर, देखो वाई का मान हमने 60 ज्ञात कर लिया, तो वाई की जगह क्या रखेंगे 60, तो जेड बराबर 60 डिग्री प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने तीनों आकृतियों में अज्ञात एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी सवाल की आकृति नंबर 4 और 5 में भी अपन अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th और 5, सवाल नंबर 2 का 4th और 5वां, इन आकृतियों में हमको एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है।
देखो बच्चों, पहले ये इस चौथे को अपन हल करेंगे। देखो बच्चों, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज की आकृति है, तो हम क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, राइट। इसलिए दोनों सम्मुख कोण है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। अच्छी तरह समझ में आ गया आपके? बिल्कुल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये दोनों आसन कोण है, तो आसन कोण का नियम लिखेंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, राइट। आसन कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, और समूह कोण बराबर होते हैं किसमें? समांतर चतुर्भुज में। इसलिए ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो x प्लस 80 बराबर हम क्या लिखेंगे? 100 डिग्री। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे, 100 में से ये 180, 180 में से हम 100 कम कर 80 कम कर देंगे, 180 माइनस 80, इसलिए x बराबर आ गया 100 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री, राइट। अब देखो थोड़ा सा यहां बता रहा हूं मैं, वही रहने और। अब देखो यहां पे ये क्या हमारी समांतर रेखा, दोनों ये समांतर रेखा और ये त्रिज्या का काट रही है, तो इस समांतर रेखा के देखो इसके ऊपर ये बन गया सी, इस समांतर रेखा के ऊपर बन गया जेड, तो ये कहेंगे संगत कोण। इसलिए जेड बराबर कितना होगा बच्चों? 80 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों संगत कोण है। संगत कोण किसे कहते हैं? कि जब समांतर रेखा को कोई त्रिज्या काटती है तो समांतर रेखाओं के और तीर्घ रेखाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये देखो, इस समांतर रेखा के ऊपर 80 बन गया, इस समांतर रेखा के ऊपर बन गया जेड, तो दोनों संगत कोण हो गए, जेड बराबर 80। क्यों होगा? ये संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, वाई बराबर 80 सम्मुख कोण, 180 का जोड़ होगा 180, 180 में से 80 कम कर देंगे तो 100 बच जाएगा, क्योंकि दोनों आसन कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो बच्चे ये सवाल, इसी प्रकार नियम आपके पास देखा भाई। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये पूरा कोण और ये कोण कैसे कोण है? आसन कोण। तो यहां भी लिखना पड़ेगा, देखो क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये जेड और 40, जेड और 40 ये कोण इतना बड़ा 40 डिग्री ऊपर जेड वाला नीचे, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण बनेगा जेड प्लस 40 प्लस का 112 बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। इससे जेड प्लस 40 से 112 जोड़ देंगे तो 152 बराबर 180 डिग्री। अब हम जेड का मान क्या करेंगे? तो 180 में से 152 कम कर देंगे, 180 माइनस 152 डिग्री, तो जेड बराबर कितना होगा? 180 में से 52 कम करेंगे, देखो 50 गया 30, 2 कम गया 28, 28 डिग्री जेड का मान आ गया। अब देखो बच्चों, ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है, ये तीर्घ रेखा इसको काट रही है, तो एक्स और जेड बराबर होगा, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? जेड। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखा को जब कोई तीर्घ रेखा काटती है तो तीर्घ रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। इस तीर्घ रेखा के नीचे बन गया जेड, इस तीर्घ रेखा के ऊपर बन गया एक्स, तो दोनों बराबर हो गए।
तो एक्स बराबर जेड होगा और जेड का मान हमने 28 ज्ञात कर लिया, इसलिए एक्स बराबर होगा 28 डिग्री, राइट। अब देखो बच्चों हमारे पास में ये वाई और 112 दोनों बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है दोनों, और समूह कोण बराबर होते हैं तो लिखेंगे जो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर कितना होगा 112 डिग्री, x बराबर सॉरी y बराबर कितना होगा कि y और 112 क्या सम्मुख कोण है, तो y बराबर होगा 112 डिग्री। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपको आज बताएंगे दोनों सवाल बड़े अच्छी तरह समझ में आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को रोजाना देखा करो बच्चों, और बाकी के सवाल मैं आपको कल अगले वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।